हेलो फ्रेंड्स, सो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ नेक्स्ट जनरेशन जीप कॉम्पस के बारे में, जो कि ऑफिशियली 2026 तक देखने को मिलेगी। बट आज ही के दिन इसका जो फर्स्ट टीजर इमेज है जो कि ब्रांड ने रिवील कर दिया है। हालांकि बात करें इसके चेंजेस के बारे में, तो फ्रेंड अब से हमें जीप कॉम्पस है जो कि हमें पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिक दोनों पावर ट्रेन ऑप्शन के अंदर हमें अवेलेबल देखने को मिलेगी। एंड फ्रेंड ये जो हमें एक अमेरिकन ब्रांड की हमें मेनस्ट्रीम एसयूवी देखने को मिलती है, जिसके अंदर हमें 134 बीएचपी का हमें माइल्ड हाइब्रिड इंजन ऑप्शन जो कि हमें ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ जो हमें देखने को मिलने वाली है। यानी कि फ्रेंड इसके अंदर हमें 207 बीएचपी की हमें सिंगल मोटर पावर ट्रेन देखने को मिलेगी, जो कि हमें 73 किलोवाट की हमें बैटरी पैक के साथ जो हमें देखने को मिलने वाली है। यानी कि फ्रेंड इसके अंदर हमें हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक दोनों पावर ट्रेन ऑप्शन जो हमें देखने को मिलेंगे। एंड बात की जाए फ्रेंड इसके और भी फीचर्स के बारे में, तो फ्रेंड इसके अंदर हमें तो जीप का हमें STLA मीडियम प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है, वही देखने को मिलेगा जो कि हमें सिमिलर साइज ऑफ एसयूवीज के अंदर भी जो हमें देखने को मिलता है। यानी कि ग्लोबली हमें जो पीजेट की हमें 3008, 5008, ओपेल की हमें ग्रैंडलैंड, उन सभी कार्स के अंदर हमें, यानी कि इंडिया के अंदर अपने सीट्रियन की जो C5A क्रॉस देखी होगी फ्रेंड, वही प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें जीप की कॉम्पस भी जो है हमें देखने को मिलेगी। हालांकि फ्रेंड इसके अंदर हमें एक्सटीरियर के अंदर हमें स्क्वायर ऑफ व्हील आर फ्लोटिंग रूफ लाइन वेब्राउन एलईडी हेडलैम्प एंड टेल लैम्प सेटअप एंड इतनी डिटेल्स जो है हमें देखने को मिलती हैं। एंड फ्रेंड्स और भी अगर इसके बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन आती है तो जल्दी मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। एंड फ्रेंड्स अगर आपको हमारे नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने हो तो फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।